Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Sivan. This video is for Class MCOM Semester 2, Subject Accounting for Managerial Decision, जिसको हम Management Accounting भी बोलते हैं. Today we will discuss about PV Ratio और Break-Even Point, BEP and Margin of Safety. We have completed the theory portion of marginal costing. Today we will discuss about practical portion. जैसा कि मैंने बता दिया, PV ratio calculate करने का तरीका जानेंगे हम, और break even point कैसे calculate करते हैं, margin of safety कैसे calculate करते हैं, तो वो देखेंगे आज हम. Practical portion है और बहुत थ्योरी से ज्यादा आसान प्रैक्टिकल पोर्शन है मार्जिनल कॉस्टिंग का. तो सबसे पहले हम पीवी रेशो कैलकुलेट करने का तरीका जानते हैं, और इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज पीवी रेशो. तो पीवी रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स. वी कैन से दैट पीवी रेशो, पीवी मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. It is also called contribution ratio or marginal ratio भी बोलते हैं हम इसको, PV ratio को. Profit volume ratio is defined as the relationship between contribution and sales. It is also called, जैसे बता दिया मैंने तो पहले ही, contribution ratio भी बोलते हैं इसको और marginal ratio भी बोलते हैं. और इसको calculate करने का तरीका क्या है, formula क्या है, पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट. जबकि हमें यह भी पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो अगर हम सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट. तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पीवी रेशो. पीवी रेशो फाइनली वी कैन से दैट पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट. और पीवी रेशो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. इसको हम यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, इसको हम मनी फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, मनी वैल्यू में. पीवी रेशो निकालने के और कौन से तरीके हैं ये हम देखते हैं, और कौन से तरीके हैं. देखो, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम पीवी रेशो के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. इसीलिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है या क्या दी होगी ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें तरह तरह के फॉर्मूले पीवी रेशो के की कौन कौन से यूज होते हैं वो पढ़ना हमें जरूरी है. तो पीवी रेशो को और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हम देख लेते हैं. एक तो फॉर्मूला अभी हमने किया, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100. इस तरीके से भी पीवी रेशो निकाल सकते हैं. और पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. इस तरीके से भी हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन हमें पता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एस माइनस वी, तो सी इज इक्वल टू एस माइनस वी, सी फॉर कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये फॉर्मूला भी है हमारा पीवी रेशो कैलकुलेट करने का. पीवी रेशो कैलकुलेट करने के और भी फॉर्मूले हैं, जैसे पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इनटू 100. इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बीईपी इनटू 100. और पीवी रेशो और भी किस तरीके से निकाल सकते हैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100. ये भी एक फॉर्मूला है पीवी रेशो निकालने का. और भी फॉर्मूला है, पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. और भी फॉर्मूले हैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो.
तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। हमें ये देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, किस तरह का डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसी हिसाब से पीवी रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से पीवी रेशो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज इट इज गिवन दैट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹100 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹75 पर यूनिट, देन पीवी रेशो इज, तो देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एस माइनस वी जैसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ना, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट दिया हुआ कितना 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ कितना 75, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल जाएगा 25, और डिवाइड बाय क्या कर देना हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 100, तो 25 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, तो पीवी रेशो हमारा कितना आ जाएगा 25%। ये हमारा पीवी रेशो कैलकुलेट हमारा हो गया, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से दी गई इंफॉर्मेशन को पुट करके पीवी रेशो निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है और बहुत कम समय में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें नंबर भी पूरे पूरे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने पीवी रेशो को कैलकुलेट किया। नाउ वी हैड डिस्कस अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ये हालांकि ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन है लेकिन थ्योरेटिकल में भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करना है या मीनिंग जानना है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स जैसे हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, द पॉइंट विच शोज नो प्रॉफिट नो लॉस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है। टी आर मीन्स व्हाट, टी आर मीन्स टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, हम ये कह सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, जिस पॉइंट पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट और हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में भी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ऐसा पॉइंट जहां पर टी आर इज इक्वल टू टी सी हो, टोटल रिवेन्यू किसके बराबर होगा टोटल कॉस्ट के, उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट था, और ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अगर हम फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो जिस तरीके से पीवी रेशो को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके थे, उसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करना है। ये देखना है अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसी हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल लेंगे इसका फॉर्मूला यूज करके। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, और ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, और इसको हम मनी वैल्यू में भी यानी लमसम अमाउंट भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
सबसे पहले हम करते हैं कि यूनिट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना आता है, हमने पहले पीवी रेशो में पढ़ लिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल सकते हैं कैसे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जबकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, एस माइनस वी यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से ये ब्रेक इवन पॉइंट का ये भी एक फॉर्मूला है। ये तो था अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट मनी वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स। क्या बोला, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जबकि कंट्रीब्यूशन हमें निकालना आता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल देंगे हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके हम ब्रेक इवन पॉइंट मनी वैल्यू में निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को दोबारा सुन लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट अगर मनी वैल्यू में निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट मनी वैल्यू में निकाल सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो सपोज डैट ये दिया हुआ है हमारे को, सेल्स ऑफ रुपीज 50,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 6 पर यूनिट। तो सेल्स दी हुई है हमें 50,000 यूनिट और पर यूनिट सेल का जो रेट है वो कितना है 6। वेरिएबल कॉस्ट एट रुपीज 4 पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है हमारी रुपीज 80,000। तो इसकी सहायता से हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, इन यूनिट्स में भी कैलकुलेट करना है और इन मनी वैल्यू में अमाउंट में भी कैलकुलेट करना है, लमसम अमाउंट में। तो सबसे पहले हम इन यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का अगर यूनिट में निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट सिंपल सा इसमें दिया हुआ है, 6 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ 4, यानी कि फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 80,000। तो 80,000 ऊपर रखकर डिवाइड बाय 6 माइनस 4, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 40,000 यूनिट्स। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में है, ये आ जाएगा हमारा। अगर हमें अमाउंट में निकालना है तो अमाउंट में निकालने का भी फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम अमाउंट में निकाल सकते हैं। तो हमें फिक्स, अब इसमें वैल्यू पुट करो, फिक्स कॉस्ट 80,000 दी हुई है, 80,000 इनटू सेल्स, सेल्स दिया हुआ कितना, पूरा अमाउंट लिखना है क्योंकि मनी वैल्यू में निकालना है। तो पूरा अमाउंट कितना बनेगा, सेल्स 50,000 यूनिट दी हुई है, 6 पर यूनिट रेट है, तो 6 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो ये 3,00,000 आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000 जो फिक्स कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी सेल्स से, कितने से, 3,00,000 से। तो इस तरह ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 80,000 इंटू 3,00,000
डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स तो हमारी कितनी आई, 3 लाख। अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 50,000 यूनिट को पर यूनिट सेल से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है हमें 4 रुपीज 4 पर यूनिट, और 50,000 यूनिट है तो यानी कि 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो अब इसको 50 से 50 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा जो बीपी आ जाएगा क्या, 80,000 इंटू में 3 बच जाएगा। तो 80,000 इंटू 3 इसका मतलब क्या हुआ, 2,40,000। ये हमारा बीपी है, ब्रेक इवन पॉइंट मनी वैल्यू में। तो दोस्तों इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी इसको प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और टाइम भी आपका बचेगा। प्रैक्टिस करो और इसको करके देखो। थैंक यू।